अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चाइनीज़ राइस जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चले इसे बनाना शुरू करती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चावल, इसको मैंने बॉईल करके छान के इसको रख दिया था। एक अदद बंद गोभी है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। एक अदद शिमला मिर्च है दरमीने साइज, इसको भी मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया। एक अदद गाजर है, इसको भी मैंने इस तरह लंबाई में काट लिया। हरी प्याज है एक कप, 4 से 5 अदद, और ये सूखी हुई लाल मिर्च है 5 से 6 अदद है, इसको मैंने लंबाई में इस तरह काट लिया। एक अदद अंडा भी इसमें शामिल होगा, और इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डालूंगी, बिल्कुल एक चुटकी जितना, और इसको मैं अच्छी तरह फूस लूँगी ताकि चाइनीज चावल में कलर अच्छा आएगा। ये अंडा मैंने फेंट लिया, अब इसे बनाना शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले मैं 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डालूंगी, ऑलिव ऑयल। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें सबसे पहले मैं अंडा फ्राई करूंगी। ये अंडा हमारा फ्राई हो रहा है, तो बारीक बारीक चॉप करता है, ये खुद ही इसमें हो जाएगा। ये अंडा हमारा फ्राई हो गया, अब इसको मैं निकाल लूंगी। इसमें 2 टेबल स्पून जितना और तेल शामिल करूंगी। हरी चॉप किया हुआ लहसुन है इसमें शामिल करूंगी। इसको हल्का ब्राउन होने देंगे। ये देखिए लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका। अब ये 1 कप चिकन है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिए क्यूब चिकन में। 1 कप इसको भी मैं हल्का फ्राई कर लूँगी। बारीक चॉप की हुई गोभी है, इसको मैं शामिल कर रही हूँ, और शिमला मिर्च इसको भी मैं शामिल कर रही हूँ, और गाजर। ये तीनों चीज़ों को मैं इस साथ वन टी स्पून अभी इसमें नमक डालूंगी। नमक कम डालूंगी क्योंकि बाद में शामिल करना पड़ेगा सोया सॉस वगैरह, इसमें भी नमक होता है। 1/2 टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अब बॉईल किए हुए चावल में इसमें शामिल कर रही हूँ, सबको अच्छी तरह मिक्स कर। अब इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है। जो अंडा मैंने चॉप फ्राई किया था बारीक चॉप कर लिया, अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये हरी प्याज और ये लाल साबित हरी मिर्चें लंबाई भी काटी हुई चुकी हूँ, वो भी सारे शामिल कर दी। सबको अच्छी तरह मिक्स करो। 1 चमचा भर के ये चिली सॉस डाल रही हूँ इसमें, और सोया सॉस भी इतना ही डालूंगी। वन टीस्पून चिकन पाउडर। अब इन सबको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, बस ये हमारा रेडी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, और काली मिर्च मुझे कम लग रही थी तो इसमें 1/2 टीस्पून और शामिल कर रही हूँ। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, फिर इसको दम के लिए रख देती हूँ। बस इसको अब मैं 10 मिनट दम पे रख रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे चाइनीज़ चावल रेडी है। ये देखिए कितने खिले खिले, इसका लुक भी देखिए कितना अच्छा है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ।
ये देखिए मीवर्स, हमारे चाइनीज राइस रेडी हैं। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।